हेलो चलो अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मेरे को इसमें नोट लाइन लाइक नहीं मिला है, ठीक है। थोड़ा बहुत हाईलाइट कराया, बस इसको आप नोट करना चाहो तो ऐसे नोट कर लेना। इसमें अदरवाइज मुझे भी कुछ नोट करने लायक नहीं मिला है। एक एक दो वर्ड्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, खुद से पढ़कर। हाँ, कैसे नोट करने हैं तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस चैप्टर पे, है ना। आप उसको एक बार समझ जाए जरा कि मैंने किस तरह से बनाया है। बेशक टाइम लगता है उसमें, लेकिन आप टाइम लगाना, लेकिन बाद में वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप उसमें एक दिन लगाना, आराम से नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बाद में आपके टाइम बचेंगे, रिविजन करने में आपका टाइम काफी सेव होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले रिविजन पर। इस चैप्टर में जो एक जो दो रिविजन की बात की गई, तो उनमें से हम आते हैं कि एक रिविजन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्टिंग हो रही है जैनिज्म से, स्टार्टिंग हो रही है जैनिज्म से। क्या लिखा हुआ है? The doctrines of Jains were preached by Saint संत बोलूँगा मैं हिंदी में, आचार्य called तीर्थंकर 23 तीर्थंकर प्रेसिडेंट महावीर, लॉर्ड लॉर्ड महावीर बोलना चाहिए बेसिकली। द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभदेव एंड द 23rd वॉज पार्श्वनाथ। क्या कह रहे हैं सर, ये क्या मतलब है? थोड़ा वो शायद आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। वो कह रहा है वर्ड यहाँ पर आता है डॉक्टर, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है। मैं बस आपको इसलिए मार्क कराया हूँ कि आपको नहीं पता। डॉक्टर मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल्स, है ना, एथिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है जो डॉक्टर्स हैं जैन के, जैन जैनिज्म की, जैन रिलीजन की, जैन रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं? बट प्रीस्ट, उनका ज्ञान किसने दिया है? उन चीज़ों का ज्ञान किसने दिया? प्रीस्ट मतलब क्या, ज्ञान देना। उन चीज़ों का ज्ञान किसने दिया है? तो वो ज्ञान संतों ने दिया है या आचार्य ने दिया है? जिनको जैनिज्म लोग, इन संतों को, इन आचार्य को, इन संतों के आचार्य को जैनिज्म लोग क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तीर्थंकर तीर्थंकर आर नथिंग बट द संत एंड आचार्य ऑफ, संत और आचार्य ऑफ जैन, ठीक है, ऑफ द जेंट्स, है ना। तो करें अब तक इनकी तो फेमस, अब तक इनकी जो मतलब एप्रिसेबल है, इनकी पूजा करने लगी, उस संत रह चुके हैं। टोटल 23 रह चुके हैं, 23 तीर्थंकर प्रेसिडेंट महावीरा, यानी महावीरा से पहले, महावीरा से पहले, महावीरा से पहले मतलब महावीरा जो है वर्धमान महावीर, ये कौन है? 24 तीर्थकार है। इनसे पहले 23 तीर्थकार और रह चुके हैं, तीर्थंकर और रह चुके हैं, जिसमें से आपको 23 के नाम नहीं चाहिए, आपको फर्स्ट और 23rd के तीर्थंकर होना चाहिए। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिन्होंने स्टार्टिंग की थी बेसिकली जैनिज्म की, वो थे श्री ऋषभदेव, ठीक है। और 23rd जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ये आपको यहाँ से याद रखते हैं, वर्धमान महावीर जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं। तो लिखा हुआ है महावीर वॉज 24 तीर्थंकर इन द लास्ट ऑफ तीर्थंकर, और जो लास्ट तीर्थंकर लास्ट थे बेसिकली, ही मेड जैनिज्म पॉपुलर एंड सिस्टमेटिक। सर इन्होंने क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया, काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। दैट इज वाई महावीर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, और इसीलिए इनको फाउंडर समझा जाता है, क्योंकि इससे पहले लोग रह चुके हैं। फाउंडर तो होगा ना, उसको सबसे पहले आया होगा, लेकिन नहीं, वो लोग पहले आए बट उन्होंने इतना इसको पॉपुलर नहीं कराया, उन्होंने को इतना इस मतलब उन्होंने इस रिलीजन के इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया था, वर्धमान महावीर जी ने किया था। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है। इनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, जो कि महावीर वॉज इन कुंड ग्राम नियर वैशाली इन बिहार इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी BC।
His father was the chief of a Kshatriya clan and his mother, clan मतलब ग्रुप, झुंड है ना, एक ट्राइब कह सकते हो। And his mother Trisla belonged to the royal family of Lichchavis, Lichchavis है ना। Mahavir received his early education in all specialized branches. He is said to have been very brave and to have saved his colleagues from dangers. For these deeds of bravery, he was called Mahavir. Okay. At the time of his birth, his father's kingdom was prosperous, so the boy was called Vardhaman, which is called prosperity in English, है ना? He got absorbed in spiritual pursuits from early childhood. He was married to Yasoda. This was done in order to divert his attention from the asceticism. At the age of 30, after the death of his parents, Mahavir renounced the world and roamed about as an ascetic, practicing severe penance for 12 years. He silently endured all the hardships. At last, he obtained the supreme knowledge. He subdued his desires and became Jin, or the conqueror. His followers came to be called as Jinnas or Jains, that is, those who have conquered their desires. यहाँ तक पढ़ते हैं, काफी वर्ड्स यहाँ पे नए आए हैं, उनको हम लिखते हैं जरा। पहला वर्ड था यहाँ पे कुछ सब्ड्यूड, नोट कर लिया? इसको मैं कैसे लिखूँ आपको? ही सब्ड्यूड ही टू डिजायर्स रिस्पेक्ट टू डिफरेंस को अधीन कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, कंट्रोल लिखवा दूँ, कंट्रोल लिख लो उसको, कंट्रोल जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा लिया हो, है ना? कंट्रोल कंकुरर मतलब होता है विनर, कंकुरर मतलब क्या होता है? विनर। और कंक्वर्ड मतलब क्या होता है? वॉन, जीतना, ठीक है। एंड्योर मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, बियर करना। पेरेंट्स मतलब तो आपको पता ही है, संन्यास ले लेना। रूम अवार्ड मतलब घूमना, रूम अवार्ड मतलब क्या? भाग घूमना। एसेटिक मतलब क्या? सन्यासी बनकर, सन्यासी, संन्यास अलग से सन्यासी, सन्यासी मतलब साधु बन जाना, ऐसे ठीक मतलब साधु सन्यासी है ना। रिनाउंस मतलब छोड़ देना, त्याग देना, सैक्रिफाइस कर देना। ऐसे ठीक मतलब सन्यास, ये सन्यास है बेसिकली, मतलब सन्यास लिख लो इसको, सन्यास वाली फीलिंग मतलब। संन्यास आपने लिख लिया, संन्यास। परसुट्स का मीनिंग पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है। अब मैं आपको परसुट्स का मतलब चेजिंग लिख लो, चेजिंग है ना। आई थिंक को और तो सारे वर्ड मीनिंग आपको पता होंगे, है ना? अब आते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि महावीर जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। एक वैशाली, एक विलेज है, एक विलेज है वैशाली नाम का विलेज है, उस वैशाली नाम के विलेज में हुआ था। और ये वैशाली जो विलेज था, ये कहाँ पर? बिहार में होता है, यानी बिहार के वैशाली विलेज में एक कुंड ग्राम जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहां पर हुआ था।
एक से बता दूं, ये सब इनका नाम पढ़ रहे हैं, रियल नाम नहीं है इनका, मतलब महावीर ये इनका भी नाम नहीं है, वर्धमान ये भी इनका नाम नहीं है, मतलब बर्थ नेम नहीं है इनका, ये नहीं है। तो आपका होमवर्क है, आप मुझे इनका, आप होमवर्क है आपका, नोट करो कि आप मुझे इनका बर्थ नेम सर्च करके बताओगे, ठीक है? इनका बर्थ नेम आप मुझे सर्च करके बताओगे। अब अगर वहाँ पर इनका बर्थ नेम नहीं है तो बाद में आपको इनकी क्वालिटीज़ के बेस पर, इनके कुछ क्वालिटीज़ के बेस पर ही नाम मिलते हैं, ठीक है? आई पढ़ेंगे क्यों मिलते हैं ना। इन द सेकेंड हाफ ऑफ सिक्स सेंचुरी, यानी सेकेंड सिक्स सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बौद्ध मत, हिज फादर वॉज अ चीफ ऑफ अ क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर थ्रिसला बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छवी। यानी काफ़ी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके फादर एक चीफ थे, एक मेन थे, मुखिया थे मतलब क्षत्रियों के, और उनकी जो माता थी, उनकी जो मदर थी, वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, रॉयल फैमिली ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी एक जगह है, वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। महावीर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन ऑल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, सर जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स होते थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत सारे कोर्स कर रखे थे, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे। ही इज सेड टू हैव बीन वेरी ब्रेव, इनको काफ़ी ब्रेव कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ब्रेव थे, एंड टू हैव सेव्ड हिज कलीग्स फ्रॉम डेंजर, और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने अपने साथियों को कई बार खतरों से बचाया है, कई बार अपने खतरों से बचाया। यही रीज़न है कि इनको नाम महावीर दिया गया, महावीर। महावीर हिंदी में पढ़ोगे तो उसका निकलेगा महावीर, वीर मतलब बहादुर, और महा मतलब बहुत बड़ा, जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, महावीर। तो ये रीज़न है इनको महावीर बोलने का, महावीर इनका नाम नहीं था, महावीर इनका नाम नहीं था, ठीक है? अब आपको के साथ हो सकता है वर्धमान इनका नाम हो, वर्धमान नाम हो, महावीर ऐसे लगा दिया, नाम क्या नहीं, वर्धमान में इनका नाम नहीं है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज फादर्स किंगडम वॉज प्रॉस्पेरस, सो द बॉय वॉज कॉल्ड वर्धमान। हाँ सॉरी गलत बोले मैं, वर्धमान इनका बर्थ नेम है, वर्धमान इनका बर्थ नेम है, लेकिन बर्थ नेम भी ऐसे नहीं पड़ा, ये बर्थ नेम किसी ऑफिसर के से पड़ा, हाँ यही बर्थ नेम है। तो कह रहे हैं जब इनका बर्थ हुआ था, इनके फादर का जो किंगडम था ना क्षत्रियों वाला, काफ़ी प्रॉस्पेरस था, काफ़ी प्रॉस्पेरस था, काफ़ी खुशहाल था, काफ़ी समृद्ध था, ठीक है? इसीलिए ये जो है इनका नाम क्या रखा गया, वर्धमान रखा गया, वर्धमान रखा गया, वर्धमान रखा गया, वर्धमान को इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? तो इनके दोनों नामों के रीजन आपको पता चल गए। ही गॉट एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्ड, इनकी ये बचपन से ही स्पिरिचुअलिज्म में पड़ गए, या बचपन से ही स्पिरिचुअलिज्म में पड़ गए। इनके घर वाले बहुत परेशान थे इनसे, इनके घर वाले बहुत परेशान थे इनके स्पिरिचुअलिज्म से, तो इनके घर वालों ने क्या सोचा, इनकी शादी करा देते हैं ताकि इनका टेंशन डाइवर्ट हो जाए, ये स्पिरिचुअलिज्म से हटकर एक रियल लाइफ में आ जाए, ठीक है? तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ही वॉज मैरिड टू यशोदा, उनकी शादी यशोदा से करा दी गई, और दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन फ्रॉम एसेटिज्म, ताकि उनका संन्यास से ध्यान हट सके, ताकि उनका संन्यास से ध्यान हट सके, इसलिए उन्होंने उनकी शादी करा दी। बट ये तो मानने वाले नहीं थे इनको, तो दे तो प्रॉपर संन्यास नहीं। तो एट द एज ऑफ 30 इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, इन्होंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया, इन्होंने अपना किंगडम भी छोड़ा, इन्होंने सब, इन्होंने अपना पैलेस वगैरह सब छोड़ कर बाहर निकल गए। महावीर रिनाउंस द वर्ल्ड, महावीर महावीर रिनाउंस द वर्ल्ड एंड रोम्ड अबाउट एज एन एसेटिक, और वो दुनिया में घूमते रहे एक संन्यास की तरह, प्रैक्टिसिंग सीवियर पेनेंस, और काफ़ी सीरियस लेवल का त्याग वो करते रहे, संन्यास करते रहे 12 साल तक ऑलमोस्ट, है ना? यानी एट द एज ऑफ 30 वो निकले तो 12 ईयर्स तक वो क्या करते, संन्यास करते रहते, यानी 42 ईयर्स तक, टिल द एज ऑफ 42 बेसिकली कहना चाहिए। ही साइलेंटली एंडियर्ड ऑल द हार्डशिप, उन्होंने साइलेंटली सारे प्रॉब्लम्स को, सारे हार्डशिप को टॉलरेट किया। एट लास्ट ही ऑब्टेन द सुप्रीम नॉलेज, और इस तरह से उनको काफ़ी नॉलेज भी मिली। ही सबड्यूड्स द डिजायर्स एंड बिकेम जिन्ना और द कंकरर, और उन्होंने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख गए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने उनको कंट्रोल किया, उस पर विक्ट्री पाली उन्होंने, और वो जिन बन गए। जिन बोला था जैनिनों की लैंग्वेज में, ठीक है? जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा चुका है उसको जिन या फिर जैन बोलते हैं। हिज फॉलोअर्स केम टू बी कॉल्ड जिनाज और जैन, तो क्योंकि जिन थे इनके फॉलोअर्स को फिर क्या कह दिया गया, जिनाज और जैन,
तो जैन मतलब क्या? जैन मतलब, जैन हम बोलते हैं कि जैन है, जैन का मतलब क्या होता है? वो जैन, जैन मतलब वो जो जिना का फॉलोअर है, जैन मतलब जो जिना का फॉलोअर है, और जिना मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा महान इंसान जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया हो, ऐसा अच्छा ऐसा इंसान जिसने अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लिया हो, जो कि बेसिकली जो बड़े कहते हैं महावीर स्वामी के, यानी कि जैन मतलब वो, जैन मतलब वो जो महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं, और सिंपल महावीर स्वामी को फॉलो करते हो, इसलिए आपको जैन नहीं बोला जाएगा। अगर आपको जैन कहना है अपने अपने डिजायर्स को कंक्वर करना पड़ेगा, अपने डिजायर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तो जैन का ये मीनिंग होता है, जैन का ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैन का मीनिंग लिख लीजिए, मीनिंग तो आपको बताना चाहिए, ये मीनिंग आपको याद रखना है, मैं मार्क नहीं करा रहा हूँ, मैं बस हाईलाइट करा रहा हूँ किस पैराग्राफ से कंपोनेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ महावीर, इनकी कुछ, ये हमें कुछ लर्निंग्स देकर गए, ये हमें कुछ ज्ञान देकर गए, जरा वो पढ़ते हैं। आफ्टर बिकमिंग द जिन, महावीर स्पेंट हिज लाइफ इन प्रीचिंग। वो कह रहे हैं जिन बनने का उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रीच देने में, यानी सत्संग होता है ना, तो हम देते हैं स्पीच, तो उसमें लगाई उन्होंने, उसी में लगाई। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट माउंट जोधपुर सिचुएटेड इन राजगृह द कैपिटल ऑफ मगध। ही वॉज नाउ अ कैवलिन और लॉर्ड महावीर। कैवलिन मतलब क्या होता है? कैवलिन एक संस्कृत का वर्ड आते हैं, कैवलिन मतलब होता है वो जिसको सब जानते हैं, जिसको सब जान जो सब जानता है, सॉरी, जो सब जानता है, जिसको सब जानते हैं वो नहीं, जो सब जानता है, और जो सब जानते हैं उसको भगवान ही बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसमें इनको लॉर्ड महावीर ही बोल दिया गया। तो क्या लिखा है? आफ्टर बिकमिंग द जैन महावीर स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन टीचिंग, तो बताया जाए वो कि उन्होंने फर्स्ट उपदेश अपना दिया था, सरमन मतलब होता है उपदेश, फर्स्ट सरमन, सरमन मतलब उपदेश, जो उन्होंने पहला जो अपना ज्ञान को ऑर्डर दिया था, बेसिकली जो फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था, वो कहाँ पर दिया था? एक माउंटेन है माउंट जोधपुर, जो कि कहाँ पर है? राजगृह में, और राजगृह कहाँ पे है? मगध में। राजगृह क्या है? मगध की कैपिटल है, उस जगह पर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। ही वॉज नाउ लॉर्ड कैवलिन या फिर आप कह सकते लॉर्ड महावीर। ही हैड लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स, काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे। ही प्रीच्ड एट वेरियस सेंटर्स लाइक अवंती, कोसला, अंगुल, मिथिला, चंपा, विदेहा, वैशाली। उन्होंने जगहों पर क्या किया? प्रीचिंग की। लॉर्ड महावीर अटेंडेड सालवेशन, सालवेशन होता था मोक्ष, और मोक्ष का फिर कैसे लैंग्वेज कैसे? डेथ, डेथ। ठीक है, तो इनकी डेथ कब हो गई? एट द एज ऑफ 72 इन पावापुरी बिहार, इन पावापुरी बिहार, बिहार के पावापुरी जगह पर इनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई थी तब उनके टोटल जो उनके जो टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे वो कितने थे? 14,000, 14,000, ये यहाँ तक था। ठीक है, तो प्रीचिंग के बारे में क्या, प्रीचिंग क्या कैसी वो नहीं बताई, हाँ प्रीचिंग से रिलेटेड बताया कि उन्होंने प्रीचिंग देना कैसे स्टार्ट किया, प्रीचिंग का बैकग्राउंड बताया, और जो मेन टीचिंग है, जो मेन टीचिंग है वो नीचे है बेसिकली, और जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, 2 सेकंड रुकने दे दो। जैन इज वन डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। ओहो, वो कह रहे हैं जैनिज्म जो लोग थे उन्होंने वेदास को फॉलो नहीं किया, उन्होंने वेद को फॉलो नहीं किया, जो वेद में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं किया, यानी कि मतलब ये लिखा है तो बस उसको फॉलो कर लेना। जैनिज्म प्रीचेस द फाइव वोज, उन्होंने पांच वोज को फॉलो किया, पांच वोज क्या? प्रॉमिसेस को, जिसमें से कहा जाता है कि दैट ओनली फिफ्थ वो वॉज एडेड बाय महावीरा। उन्होंने कहा कि चार वो तो पहले ही थे इनके, जो 23 तीर्थ रह चुके हैं उसी टाइम तक,
लेकिन जो फिफ्थ वो था वो महावीर स्वामी ने ऐड किया है, वो महावीर ने ऐड किया है, ठीक है। तो फाइव वोज क्या क्या है, पांच कसमें, पांच प्रॉमिसेस क्या क्या है जो जैन करते हैं, जो जैन करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में, है ना। अ जैन हाउस होल्डर हैज टू टेक फॉलोइंग फाइव वोज। पहला अहिंसा, इनके बारे में डिटेल में दिया गया है या फिर मेरे को ऐसे समझाना है। डिटेल में नहीं दिया हुआ ना, तो मेरे को समझाना पड़ेगा। ठीक है, पहला अहिंसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वायलेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा, जैनियों का कहना है, जैन लोगों का कहना है, जैन लोगों का या जैन लोगों के जो तीर्थ कर रह चुके हैं उन लोगों ने इनको बताया, सिखाया और सब प्रॉमिस लिया कि प्रॉमिस करो आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, ठीक है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना हो, कुछ ऐसा करना होगा, तो उन चीज़ों का प्रॉमिस लिया कि आपको ये करना है। तो उन्होंने कहा कि आप अहिंसा फॉलो करोगे, अहिंसा फॉलो करोगे। अहिंसा मतलब क्या, 2 सेकंड रुको बताता हूँ अहिंसा का मीनिंग, एक बार ज़्यादा मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या, आप वायलेंस नहीं करोगे, अब वायलेंस नहीं करोगे मतलब क्या, तो वायलेंस मतलब होता है, वायलेंस मतलब क्या होता है, मतलब मैं बताऊँ, किसी को मारपीट करना, तो आप मारपीट नहीं करोगे। उनका पहला कहना ये था कि आप मारपीट नहीं करोगे, आप मारपीट नहीं करोगे, ठीक है। और मारपीट का मतलब ये नहीं केवल इंसानों से मारपीट नहीं करोगे, आप इंसान तो इंसान, आप एनिमल्स के साथ, इंसेक्ट के साथ, मेरिन लाइफ्स के साथ, बर्ड्स के साथ, किसी भी लिविंग बींग के साथ, किसी भी लिविंग बींग के साथ आप नॉन वायलेंस नहीं करोगे, आप वायलेंस नहीं करोगे, सॉरी, किसी भी लिविंग बींग्स के साथ, किसी भी लिविंग बींग के साथ आप वायलेंस नहीं करोगे। आप ये नहीं कि नहीं, ये तो इंसान तो इंसान को नहीं मारते, लेकिन हम तो जानवरों को मार देते हैं, पेड़ को मार देते हैं, नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी लिविंग बींग को आप नहीं मारोगे, ऐसा ही प्रॉमिस लेते हैं। दूसरा है आचुर्य या फिर अस्तेय, आचुर्य या फिर अस्तेय, ये भी संस्कृत के वर्ड हैं, इनका मीनिंग होता है चोरी ना करना। आप चोरी नहीं करोगे, आप चोरी नहीं करोगे कभी जिंदगी में, ठीक है। सत्य, आप भी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा आपको सच ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी उसका रिजल्ट क्यों ना हो, उसका रिजल्ट आपके लिए अनफेवरेबल क्यों ना हो, पर फिर भी आप सच ही बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या, आप किसी भी चीज का मोह नहीं करोगे। तो अब इस चीज को उन्होंने कैसे कहा कि आप प्रॉपर्टी नहीं पजेस करोगे, यानी आप अपने पास कोई भी संपत्ति, कोई भी वेल्थ नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ हुई तो आपको मोह हो जाएगा, तो आपको लालच आ जाएगा, तो आपको लालच आ जाएगा, तो आपको वेल्थ ही नहीं रखनी है, आपको वेल्थ पजेस नहीं करनी है, आपको उसका कि आपको उसका क्या हो जाए, ग्रीड हो जाए, आपको लालच, ठीक है, तो आपको लालच नहीं करना है। और दूसरा एंड फिफ्थ वाला, लास्ट वाला जो कि महावीर जी ने ऐड किया ही क्या है, ब्रह्मचर्य, कि आपको ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना है, कि आपको ब्रह्मचर्य भी क्या करना है, फॉलो करना है। ये कुछ पांच प्रॉमिसेस थे, ये पांचों आपको याद रखने हैं, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और इनके मीनिंग आपको ये याद करके रखने, शॉर्ट में लिखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं दिए ज़्यादा बड़े, तो आपसे पूछेंगे भी नहीं ज़्यादा बड़े, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा समझा दिया था, जो ऊपर वाला सबसे इम्पोर्टेंट था, अहिंसा वाला, बाकी सब ईजी ही थे। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट इन जेल फिलोसफी। देखो जो मैंने समझाया तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू महावीर वायलेंस इज ऑफ थ्री काइंड। अब हाँ, यहाँ पे वायलेंस को डिस्क्राइब किया जाए,
यानी देखो जिस पॉइंट पर मैंने ज़्यादा टाइम दिया था वही पॉइंट यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, वो है इम्पोर्टेंट, वो हमसे वाला पॉइंट है इम्पोर्टेंट। आपको कैसे तब इम्पोर्टेंट है, आपने तो आगे पढ़ा नहीं था। तो बेटा मेरे को पढ़ाते हुए 4 साल हो गए, इस चैप्टर को पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास में अलग अलग लेवल होता है, मेरे को पता है कि कैसे इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं, थोड़ा आइडिया हो जाता है इतना पढ़ाते पढ़ाते। तो उन्होंने कहा पहला तो वायलेंस आप फिजिकल कर सकते हो, ठीक है, दूसरा वायलेंस आप वर्ड्स में कर सकते हो, और दूसरा वायलेंस आप मेंटली कर सकते हो अपने बिहेवियर से। एक तो आप किसी पर हाथ उठा रहे हो फिजिकल हो गए, एक आप किसी से उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है, ये वर्ड्स में हो गया, एक आप किसी का बिहेव भी गलत कर रहे हो ना, आप उससे उल्टा बोल भी नहीं रहे हो, आप उससे मार भी नहीं रहे हो, लेकिन बिहेव उसके साथ थोड़ा गलत कर रहे हो, है ना, सही नहीं कर रहे हो, तो ये मेंटल वायलेंस हो गया, है ना। तो लिखा है फिजिकल वायलेंस लाइक किलिंग, कॉजिंग इंजरी और पेन, दूसरा वायलेंस इन वर्ड्स और हार्श लैंग्वेज, एंड थर्ड वन मेंटल वायलेंस लाइक इलविल टूवर्ड्स अदर्स। इलविल मतलब दूसरे के लिए बुरी भावना रखना, इलविल इल मतलब बुरी, बीमार है ना, बीमार होता है लेकिन यहाँ पे उसका मतलब बुरी से बिल मतलब अच्छा रखना, आप दूसरे के लिए गलत अच्छा रखते हो, ठीक है। जेंट्स बिलीव इन द सेंक्टिटी ऑफ लाइफ और द राइट ऑफ एवरी लिविंग बींग टू लिव। सेंक्टिटी मतलब क्या होता है, सेंक्टिटी का मीनिंग इन्होंने आगे लिखा है राइट टू लिव। फिर भी मैं अगर इसका एग्जैक्ट वर्ड आपको बताना चाहूँ सेंक्टिटी का, तो आपको कैसे लिखा हूँ, आप नोट करो उसको पहले। हाँ प्रायोरिटी लिख लो, हाँ कि लाइफ की प्रायोरिटी में विश्वास रखते थे और कहते थे कि हर कोई हर किसी की लाइफ इतनी प्योर है कि उसके पास राइट है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, वो अपनी लाइफ को लिव करे, ठीक है, जी अपने आप को अपनी लाइफ को। दिस डॉक्ट्राइन्स केम टू बी रिगार्डेड एज फाइव वॉज व्हिच एवरी जैन इज सपोज्ड टू टेक, है ना। तो ये वो डॉक्ट्राइन्स हैं जो 5 बोध माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है और ये जरूरी है, ऐसा सपोज किया जाता है कि सारे के सारे जितने भी जैन लोग हैं जो अपने आप को जैन कहते हैं, जिनका कहना है कि वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, तो हम सपोज करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि आप लोग ये बोध भी फॉलो करते हो, ठीक है। पहले प्रीसिंग तो हो गई बोझ वाली, पहले ठीक प्रीसिंग तो हो गई बोझ वाली। तो पहले तो उन्होंने बोला कि आपको 5 कसमें खाओ, अगर आप उनकी 5 टीचिंग में क्या थे कि 5 टीचिंग में उन्होंने पहले कसमें खिलवाई कि आपको जिंदगी में ये काम करने हैं ये काम नहीं करने, ठीक है, प्रॉमिस करो। फिर उन्होंने आपको 9 रास्ते बताए, 9 सच बताए, 9 सच मतलब क्या देखते हैं, बिसाइड 5 बोध एंड अदर जनरल डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, जैन्स आर एक्सपर्ट टू हैव नॉलेज ऑफ 9 ट्रूथ, 9 ट्रूथ किसी 9 रास्ते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको 9 सच और पता होनी चाहिए लाइफ के बारे में, लाइफ के 9 ट्रूथ होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द नॉलेज ऑफ दीज 9 ट्रूथ इज एसेंशियल एंड ओनली रिनन्सिएशन इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्वेशन। उन कैद कहा जाता है कि जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए द नॉलेज ऑफ दीज 9 ट्रूथ इज एसेंशियल, इनकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, एंड ओनली रिनन्सिएशन इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्वेशन, और संन्यास ही मोक्ष का सबसे छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टकट तरीका है। दीज 9 ट्रूथ्स हैव अ सेंट्रल प्लेस इन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, द 9 ट्रूथ्स आर अब 9 ट्रूथ्स तरह समझो जरा। जीव, जीव मतलब जीव हम किसको बोलते हैं बायोलॉजी में, हिंदी में अगर पढ़ोगे जीव, जीव मतलब है लिविंग थिंग, और जीव का अपोजिट अजीव, नॉन लिविंग थिंग्स। पुण्य, पुण्य मतलब अच्छे काम, अच्छे काम भी नहीं, रिजल्ट ऑफ अच्छे काम, रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स अच्छे कामों का फल, ठीक है। पाप, रिजल्ट ऑफ अ बैड डीड्स, जिसको हम सिन बोलते हैं इंग्लिश में, पुण्य का अपोजिट होता है पाप, है ना। और अच्छे काम, अच्छे काम मतलब क्या, असरफ, असरफ आश्रफ है ना, आश्रम मतलब अच्छे काम। सावर मतलब क्या, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कर्म, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ कर्म, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को बोलते हैं सावर, सावर है ना, सावर रुकावट है, रुकावट है। और भी क्या बोल सकते हैं, बाधा, बाधा मतलब बॉन्डेज। निर्जरा, निर्जरा मतलब क्या,
आपके जो काम में है, आपके जो काम है, अच्छे काम है, बुरे काम है, वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। और लास्ट है मोक्ष। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इन चीज़ों को, अभी आपके चैप्टर में इनको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। पर उनका कहना है कि अगर हर जन को इन नौ चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, उनको इनके बारे में पता होना चाहिए चाहिए, ठीक है। उनको पुण्य पाप सांवर बांधा निर्जल मोक्ष इन सबों के बारे में पता होना चाहिए, जीव अजीव सबों के बारे में पता होना चाहिए। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जैनिज्म की लाइफ में, ठीक है, चाहिए, ठीक है। डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ तो कोई होमवर्क है या नहीं। एक तो फोर्स वाला, फिफ्थ वाला, ठीक एक थर्ड का ए, एक थर्ड का बी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, यहाँ पे लिखिए, नहीं लगाया ना। नेम दी नाइन ट्रूथ्स डेट आर असेंशियल फॉर द जेंट्स, फॉर द जेंट्स, है ना। एक क्वेश्चन है अपने ही दिया हुआ है, आपको लिखना है, ठीक है, और याद भी करना है ये वाला, ठीक है। हम ओवर करते हैं अपनी क्लास में यहाँ पर, है ना।